गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह पीयू को हमको डिस्टर्ब करी है, जगा के आ गए हैं। और जब हम उठ जाते हैं तो सोने का मन नहीं करता, क्योंकि अभी इधर उधर टाइम होगा वेस्ट। तो पीयू को जाना है स्कूटी चलाने। पीयू चला लेती हैं, लेकिन उनको अभी ऐसे शौक लगी है तो उनको स्कूटी चलाने जाना है। ये इनकी छुट्टी पड़ गई है, तो अभी ये रोज जब तक छुट्टी है स्कूल चलाएंगी, नहीं तो इनका स्कूल ही रहता है। वैसे चला लेते हैं, लेकिन अभी घूमने का शौक है थोड़ा, तो चल रहे हैं हम लोग भी सुबह सुबह। तो चलिए फिर, पीहू रेडी है 5 ही बजे से, उनके थोड़ा भीड़ उड़ में चलो। भीड़ भाई, सुबह सुबह का मौसम इतना प्यारा, अगर 5 बजे आए होते तो लाइट जलती रहती और एकदम प्यारा लगता। इधर बनाएंगे। गाइस हम लोग आ गए गुलाब बाड़ी। पीहू की फ्रेंड यहाँ पे आई है तो उससे मिलने, वो भी यही आई है ना, तो फोन तो उठाना चाहिए ना। हाँ कब का गए। तो यहाँ पे अब पीहू कर रही है ड्राइव, चल रही है, हम लोग जा रहे हैं। ये है दो दरा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आए हैं, देखिए प्रज्ञा के घर पे। ये है प्रज्ञा, पीहू की फ्रेंड, और ये भाभी रही। तो किस है ये रही भाभी, और यहाँ पे हम लोग आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और यहाँ पे देखिए हल्दी नाश्ता हो रहा है, बढ़िया समोसा और कचौड़ी चटनी के साथ। तो दीदी देख लीजिए, हम लोग इसीलिए आते हैं। तो यहाँ पे दीदी की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि दीदी के आए हैं भैया। तो यहाँ पे भैया आ चुके हैं, और दीदी ये देखिए गर्मा गर्म हलवा हलवा खिला रही है अपने भैया को। ये देखिए दीदी बहुत खुश है आज। तो अभी आ गया है गर्मा गर्म हलवा। बाबू खाई बहुत खाता है, और मामा तुम्हारे खिलाने में बहुत आगे हैं। जब तक रहेगा अभ्या को एक एक जानती है दीदी, एक एक लैया इसमें की इतनी देर से भैया उठा उठा के वही उसी को खिला रहे हैं। और खाना है। तो गाइस आप लोग बताइएगा, दीदी और भैया का फेस मिलता है, एक जैसे है लगता है ना। यहाँ बैठो नितेश, बीच बैठो। हाँ यहीं पे। तो यहाँ पे देखिए ये बुआ बैठी, ये भतीजा बैठा, ये भैया बैठे हैं। तीनों लोग का फेस एक जैसे मिलता है, देखिएगा नितेश का और दीदी का तो एकदम मिलता है। भैया बुआ भतीजा का, भैया का भी मिलता है। लेकिन देखिए भैया के भी चेहरे पे चमक है, देखिए ग्लो कर रहा है चेहरा। चलिए कोई बात नहीं, देखे तो दीदी को दिखा दो। तो यहाँ पे अव्य को मेरी लग गई बहुत ज्यादा चोट, क्योंकि अब अव्य जो है कहीं भी चढ़ जाती है और वहां से गिर जाती है, और वहां से गिरी ना तो इसके टीथ जो है यहाँ इसके लिप्स में गड़ गए हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तो मैं तो देख के एकदम परेशान ही हो गई, बहुत रोई। लेकिन खैर बच्चा है तो थोड़ी देर में चुप भी हो जाते हैं बच्चे, तो लेकिन बहुत ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं इसको चोट अब लगती है। तो गाइस यहाँ पे मेरे घर पे सब शाम को उठे हैं सो के, तो दीदी यहाँ मुस्कुराते हुए धीमे धीमे एक मायके से आया हुआ है सत्तू, जो किस चीज का है, ये चने वाला है, चने और जौ वो सबका है। तो यहाँ पे दीदी ये बना रही है सत्तू, ये देखिए इसमें क्या क्या डाली है दीदी। ये काला नमक, जीरा, भुना हुआ
अच्छा काला नमक है, जीरा और पानी से एकदम एकदम पतला घोल दिया है। इसको पीने से कहते हैं लू नहीं लगती है, ये बहुत फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे दीदी रेडी कर दी है, रुकेगा रुकेगा। तो यहाँ पे आया हुआ है इलाहाबादी चने का सत्तू जो कि बहुत टेस्टी था। यहाँ पे दीदी तैयार भी कर रही हैं इसको। अगर आप लोग इसकी रेसिपी मतलब मांगेंगे तो दे भी सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे बना बनाया सत्तू है जिसमें हम लोग नमक और जीरा भुना हुआ और नींबू वगैरह डाल के यहाँ पे एक ड्रिंक बना लिए हैं और वही अभी हम सब लोग पियेंगे। तो काफ़ी अच्छा था, सब लोग नहीं बस हम ही लोग पिए, बच्चे इसको कहाँ पसंद करते हैं। पीहू नहीं पीती तो पीहू अभी ये देखिए यहाँ पे रेडी है एकदम से, और पीहू अभी अब अपना तो गाइस यहाँ पे बनाने के लिए बिटिया आरामदेह हो गई है। देखिए हम लोगों का नाश्ता तैयार कर रही है, इधर देखो क्या बना रही पीहू। तीन तरीका तेज बोलो थोड़ा। गार्लिक ब्रेड, चीज सैंडविच और आलू वाला सैंडविच। आज तो भैया घर वालों की बल्ले बल्ले, नाश्ते पे नाश्ता मिलेगा अभी। तीन तरह के सैंडविच है, तो एक गार्लिक है और एक चीज सैंडविच है, एक गार्लिक सैंडविच है और एक आलू पोटैटो सैंडविच, एक वेजिटेबल सैंडविच। तो भैया हम लोग बैठे हैं इंतजार में, आगे सब लोग वेट कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी करो पीहू, थोड़ा जल्दी करो, अभी तो स्टार्ट 4 बजे इन लोग को भूख लगना शुरू हो गई। अरे तुम्हारा ये नीचे रख रही है, ये देखो गाइस स्लैब साफ है तब भी नीचे रख रही। और ये देखिए इसमें बटर है और ये रोस्ट गार्लिक, देखिए महक तो नमक वमक नहीं पड़ेगा, नमक और वो चलो तो अच्छा लगेगा। फिर ये चीज निकला, वाव स्लाइस, क्या है तुमको, क्या दिक्कत है, मुंह पे हाथ रखे रो रही हो। और इसको कर दो हीट, हीट हो रहा था यार, बंद कर दिया ज्यादा। तो यहाँ पे लड़की ये देखिए, ये लेफ्टी नीचे रखो यार, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे फाइनली अभी आज हम मंदिर की क्लिप भूल गए थे बहुत दिन से, ये जबकि मंदिर में लगा दिए थे दुकान में ले जाके, तो यहाँ पे वही मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मिस्त्री साहब आए हुए हैं ड्रिल करने के लिए, और यहाँ पे मैं भी आई हुई हूँ, आव्य भी आई है अपनी शॉप पर। तो यहाँ पर जब ये आती है ना तो पुटर पुटर करके कंप्यूटर कह नहीं पाते हैं, तो उस पर बैठ के इनको पूरा चलाना रहता है ऐसे ऐसे पूरा, देखिए दोनों हाथ रख के और उस पर ऑन कर दी हैं, अभी उसको चला रही हैं बैठ के। जब तक ये रहती हैं तब तक बस इनको वही की बैड हाथ में चाहिए कीबोर्ड, और उसी से ये खेलेंगी चलाएंगी। तो फिलहाल अभी टंग रहा है मंदिर, और ये रात का मतलब शाम का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे भैया आए हुए हैं और मंदिर, ये रही मेरी प्यारी सी छोटी सी एक मंदिर। अबे क्या चला रही हो, फूटर इनसे कौन बताया है, फूटर चला रही है। तो जब तक मंदिर वगैरह टंग रहा था तब तक मैंने सोचा लाओ आप लोगों को एक बार फिर से के शॉप का थोड़ा सा टूर कराते हैं। और ये बाहर जो लिखा था ये है, और ये अंदर से जब जाने लगे तो बाहर शॉप कुछ इस तरीके से दिखती है। तो काफ़ी जब मैं जाती हूँ तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। ये यहाँ पे मेरी मंदिर लक्ष्मी मंदिर चाहिए। तो जो भैया है मंदिर लगा चुके हैं, तो फिर यहाँ पे मैं अब पूरा सेटअप कर दूंगी। वहाँ लोहे वाली अलमीरा में थे भगवान जी, तो उनको मैं यहाँ पे लाऊंगी। पहले मंदिर को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और गंगा जल वगैरह डाल के यहाँ पे उनका आसन लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा मूर्ति वगैरह नहीं है, बस गणेश जी हैं और लाफिंग बुद्धा हैं। तो शॉप वॉप पे वैसे ऐसे यही सब सही रहता है, ये लोग कहाँ इतना केयर कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से साफ करके मंदिर को कर देती हूँ अपने सेट, और नीचे ड्रॉअर भी है तो उसमें सारी चीज़ें रख दूंगी। और ये सब करते हुए ना इतना अच्छा लगता है मन को, इतना मतलब लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ों को करने में, कि अपनी शॉप पे ऐसे मतलब जाना और बैठना। मैं भी वैसे जब मैं भी फ्री टाइम में होती हूँ तो मैं भी जाती हूँ शॉप पे, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीखना और नई चीज़ें करते रहते हैं।
आज की ब्लॉग में यहीं तक, और मंदिर कैसी लगी यहाँ पे मेरी शॉप में ज़रूर आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।